सो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस एनिमे हिंदी। जैसा कि तुम सबने थंबनेल और टाइटल देखा है, आज हम लोग बात करने वाले द सीक्रेट बिहाइंड सन गॉड निका एंड जॉय बॉय। यहां तुम्हारा एक सवाल उठ सकता है, क्या हमें यहां पर मांगा स्पॉयलर देखने को मिलने वाले हैं? तो हाँ, तुम सही समझे, मांगा स्पॉयलर होंगे। और अगर साला कोई कमेंट बॉक्स में लिखा कि वीडियो में मजा नहीं है, तुम लोग को मजा दिलाने के चक्कर में ना पूरा वन पीस खंगालना पड़ा, तो इस वजह से वीडियो को एंजॉय करो और अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताओ। सबसे पहली बार वन पीस में ओडा ने हमें सन गॉड निका का फॉरशैडोइंग दिया था मांगा चैप्टर 253 में। अगर तुम्हें याद नहीं है मैं कौन से आर्क की बात कर रहा हूँ, तो ये स्काइपिया है। एनिमे में भी ये सीन था, बट उतना अच्छे से नहीं दिखाया गया जितना हमें मांगा में दिखाया गया है। अगर तुम इसमें लूफी को ध्यान से देखो, इसमें और इसमें बहुत ही ज्यादा सिमिलैरिटीज दिखेंगी। यही नहीं, आगे और हैं। इसमें तो ओडा ने पूरा का पूरा लिख ही दिया चैप्टर 287 जब हमें नोलैंड के बारे में बताया जाता है। बट इससे भी ज्यादा हैरान हमें चैप्टर 299 और चैप्टर 300 में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ हमें बैक टू बैक लगातार दो चैप्टर में फॉरशैडोइंग दी जाती है। पहले तो लूफी का जायंट वाला शैडो जब वो उस घंटी को बजाता है, और उसके बाद ठीक उसी के नेक्स्ट चैप्टर में लूफी डांस कर रहा होता है। अब यहाँ ये सीन तो लूफी का डांस वाला है, बट इससे भी ज्यादा बड़ा वाला फॉरशैडोइंग क्या है मालूम? इन दो बुड्ढों की बातें। मैं इनके कन्वर्सेशन पे बाद में आऊंगा, पहले मैं और भी फॉरशैडोइंग की बात कर लूं। एल्बाफ में मदर कार्मेल का वो वाला सीन किस किस को याद है? यहाँ पर तो भाई सीधे सन गॉड लिखा जाता है, और इसके बाद हमें सीधे चैप्टर 1018 में बताया जाता है, जहाँ पर हुजू जिनबे से कहता है जब वो जेल में था तो उसे प्रे करने के लिए कहा गया, क्योंकि एंशिएंट टाइम में स्लेव्स ऐसा मानते थे कि एक लेजेंडरी योद्धा आएगा जो उन्हें आजादी दिलाएगा। वो उसे सन गॉड निका बुलाते थे, वो उनके चेहरे में मुस्कुराहट लाएगा। अब तुम इस बात को ना ध्यान से याद रखना, क्योंकि अब हम लोग सीधे पीछे जाने वाले हैं स्काइपिया पे, जहाँ पर इन दो बुड्ढों का कन्वर्सेशन दिखाया जाता है। यहाँ हमें एक बात मालूम पड़ता है, पास्ट में वॉरियर्स के पास रीजंस होते थे वॉर के लिए। प्लस ये बुड्ढा ये भी कहता है, हमारे जनरेशन के लिए स्काई हमारा घर है, अर्थ ने कभी भी किसी को रिजेक्ट नहीं किया, ये तो हम है जिन्होंने एक दूसरे को ठुकराया। प्लस जब स्काई नाइट ओरिजिनल गॉड स्काइपिया का कहता है, यस अभी हमारे बीच में एक भी इंसान नहीं है जो अभी के टाइम पे वॉर चाहता हो, और इसके ठीक बाद हमें लूफी को दिखाया जाता है और इस चीज को वाइपर नोटिस भी करता है। प्लस इस सीन में तुम यहाँ पर लूफी को और सन गॉड निका को देखो, बार बार ओडा ये इशारा कर रहा है कि ये दोनों सेम है। रुक जाओ ज्यादा ज्ञानी ऑडियंस, कमेंट बॉक्स में पागल कुत्तों की तरह भौंकने की जरूरत नहीं है, पूरा वीडियो देख लो उसके बाद कमेंट खाली है तुम लोग के लिए। बिकॉज अब हम आने वाले जॉय बॉय पे। जॉय बॉय का हमने पहली बार नाम सुना था फिशमैन आइलैंड में, जब रॉबिन पॉनिक्लिप को रीड करती है, वो एक अपोलोजाइज लेटर होता है जॉय बॉय का। उसके बाद चैप्टर 649 में रॉबिन किंग नेपच्यून से जा करके सीधे पूछती है, ये जॉय बॉय साला है कौन? यहाँ पर हमें किंग नेपच्यून के द्वारा हमें ये बताया जाता है कि जॉय बॉय एक ह्यूमन था जो ऊपर रहता था वॉयड सेंचुरी के टाइम पे। उसने वो अपोलोजाइज लेटर उस वक्त के मरमेड प्रिंसेस को लिखा था अपने प्रॉमिस को तोड़ने के लिए। किंग नेपच्यून यहाँ ये भी कहता है उसे ये डिटेल में नहीं पता, बट प्रॉमिस को पूरा करने के लिए एक दिन जरूर कोई जॉय बॉय की तरफ से दिखाई देगा, वो उस दिन में बिलीव करते हैं। प्लस नेपच्यून के एंसिस्टर्स ने नोहा को, याद ही होगा, इस शिप को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया था, और हाँ जब वो दिन आएगा नोहा को अपना मिशन दिया जाएगा, जिसके बाद लगभग 350 चैप्टर तक जॉय बॉय का कोई नामो निशान ही नहीं था। इसके बाद हमें चैप्टर नंबर 967 के लास्ट में रॉजर जब वन पीस को खोज लेता है, तब वो कहता है, जॉय बॉय आई रियली विश मैं तुम्हारे एरा में पैदा हुआ होता। ये बात हम सीधे जाके वानों में सुनते हैं। इसके बाद हमने जॉय बॉय का नाम कब सुना? सीधे वन पीस के मांगा चैप्टर 1014 जब काइडो कहता है, यू कुडंट बी जॉय बॉय इधर। अब इस चीज को मैंने कवर किया था मेरे इस वाले थ्योरी वीडियो पे, तो मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, जाके वो वाला थ्योरी मेरा देख लो, तुमको समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ बाकी जितने भी बातें जॉय बॉय से रिलेटेड हुई है वो सभी यार हाल ही के चैप्टर्स में हुए हैं। और मुझे एक बात तो मालूम है, तुम इतने भी भुलक्कड़ नहीं हो
कि मुझे उन बातों को दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए सीधे मेन मुद्दे पे आते हैं। अब तुम जरा गौर करो, सन गॉड नीका का हमने पहला रेफरेंस हमें स्काइपिया में दिया गया था, तो वही जॉय बॉय का फिशमैन में ज्यादातर वन पीस फैंस को स्काइपिया और फिशमैन आर्क बोर करता है। टेंशन मत लो, मैं भी उन्हीं में से एक था, बट ये आर्क बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं बाल की खाल निकालने पे, सन गॉड नीका एंड जॉय बॉय पे, पर कैसे? नीका जो कि एक जापानीज वर्ड है, उसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? ग्रिन, और ग्रिन का हिंदी में मतलब होता है मुस्कुराना। अब जॉय बॉय का हिंदी मतलब मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है, आई होप कि तुम सभी उतने समझदार हो। प्लस यहाँ पर किसी भी कंक्लूजन पे आने से पहले लूफी पर मैं आना चाहूंगा। लूफी ने अपने अब तक की पूरी जर्नी में लोगों को फ्री करने के साथ साथ उन्हें खुश भी किया है। भाई स्टार्टिंग में अपने कूबी को ही ले लो, वो एल्बिडा के यहाँ पे जबरदस्ती था, पर क्या वो कभी वहाँ खुश था? नहीं। लूफी आता है और उसे फ्री करता है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट लाता है। नामी रॉबिन का एग्जांपल ले लो, नामी जिसके पूरे विलेज को आर्लोंग ने कब्जा कर लिया था, उसके मॉम को तक मार दिया था, लूफी वहाँ जाता है, उसे भी वहाँ पर फ्री करता है, आर्लोंग को हराता है, नामी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाता है। बात करूं अगर मैं रॉबिन की, रॉबिन जिसके पीछे तो पूरा वर्ल्ड गवर्नमेंट ही पड़ा था और आज भी पड़ा है, छोटे से उम्र में उसके ऊपर इतनी बड़ी बाउंटी डाल दी थी, पर आज वो हैप्पी है, क्यों? बिकॉज ऑफ लूफी। ये सारी चीजें लूफी ने लगभग हर आर्क में की है, वहां जाओ, लोगों को आजाद करो और उनके चेहरे में मुस्कुराहट लाओ, और यही सेम चीज लूफी वानो में भी करेगा, वानो को फ्री करेगा, उसके गेट्स को खोलेगा। मुझे एक और बात याद आया, मरीन फोर्ड आर्क में किस किस को ये वाला सीन याद है? चैप्टर नंबर 561, हॉकाई लूफी को देख के एक बात नोटिस करता है, वो कहता है देयर इज नो स्किल और टेक्निक बट द सिंपल एबिलिटी टू टर्न दोज अराउंड हिम इनटू हिज अलायंस, आई वुड कॉल दैट द मोस्ट डेंजरस एबिलिटी इन एंटायर ओशन। अब हम जरा आते हैं आज के मेरे वीडियो के फाइनल कंक्लूजन पे। ये सारे रेफरेंसेस जो मैंने आज रखे हैं, अगर तुमने इस वीडियो को अभी तक ध्यान से देखा, इन रेफरेंसेस को मद्देनजर रखते हुए, तो शायद तुम समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जॉय बॉय एंड सन गॉड नीका ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही इंसान है जो अपने डिसेंडेंट के थ्रू रिटर्न करता है। अब तुम इसे जॉय बॉय बुलाओ या सन गॉड नीका, वो दोनों नेम भले ही अलग अलग हैं, पर एक ही शख्स के हैं। अलग अलग जगह के लोग उसे अलग अलग नेम से बुलाते हैं, जिस तरह स्काइपिया में ऑब्जर्वेशन हॉकी को मंत्रा बुला जाता है। खैर मेरा वीडियो तो यहीं तक था, अब तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा, तुम्हारा क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलना। साथ ही साथ अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक मारो यार, और अगर तुम घूमते घामते इस चैनल पे नए आ गए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, बिकॉज मैं यहाँ पर वन पीस के वीडियो ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे अपलोड करते रहता हूँ। हाँ ये वाला वीडियो रेगुलर नहीं था, बिकॉज मैंने रिसर्च किया, थोड़ा खंगाला, तो इस वजह से ये सारे रेफरेंसेस खोजने में टाइम लग गए, और तुम समझ सकते हो यार। तो इस वजह से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।